दोस्तों आपका स्वागत है नासिर इलेक्ट्रिक टीच में। तो आज आपके पास LTE नोट का मैग्नेट लेके आए हैं, जो आप देख सकते हैं इसकी जो मैग्नेट है ये खिसकी हुई है, तो इसे हमें एडजस्ट करना है। तो किस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे और किस तरह से ये अच्छी एडजस्ट होगी, जिस तरह से कंपनी का एडजस्ट किया होगा उस तरह से हमें किस तरह से एडजस्ट करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जो रिंग है इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे एक पतला सा कुछ लेना है, उसके बाद इसमें जो है इसे जिस तरह से ये जो है रिंग खिसका हुआ होगा उसे हमें उठा के उसके बाद जो है इसे इस तरह से खड़ा कर लेना है, उसके बाद प्लास की मदद से इसे हमें खींच के बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से हम और भी नोट की जो रिंग है इसे हम अलग कर लेते हैं। तो दो नोट का जो है फ्रेंड्स जो ऊपर वाला रिंग है यही जो है इसका हुआ है, और उसके बाद जो एक जो मैग्नेट है इसमें जो है ऊपर नीचे जो है दोनों तरफ की जो रिंग है वो खिसकी हुई है। हम दोनों रिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों रिंग है ये अलग हो चुका है। तो ये जो है ये जो मैग्नेट की जो एनर्जी है ये सारी जो एनर्जी इसमें आ जाती है लोहे में बीच में रहने के बाद। तो चलिए हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि ये जो है अच्छी तरह से मजबूत रहे और जल्दी ये जो है मैग्नेट एक्साइड ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हेलोजन बल्ब लगेगा, उसके बाद जो है ये तीनों रिंग को हमें हीट करके उसके बाद जो है इसे क्लीन कर लेना। उसके बाद हमें कुछ जुगाड़ लेना है, उसके बाद से इसे हमें साफ़ कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद ठीक उसी तरह से इसे भी हमें हीट करके साफ़ कर लेना है। तो चलिए हम इसे हीट कर लेते हैं। और हीट करने से दोस्तों एक फ़ायदा होता है, जो हमारा जो गंध होता है ये जो है आसानी से हट जाता है, इसे साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप ऐसे साफ़ करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। और कुछ देर के बाद इसे हमें बंद कर लेना है, और उसके बाद जो है एक कपड़े की मदद से इसे पकड़ना है, हाथ से डायरेक्ट नहीं पकड़ना है, ये हीट होगा तो एक कपड़े की मदद से इसे हम पकड़ लेते हैं। और उसके बाद चलिए हम इसे साफ़ करते हैं। हमें साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे साफ़ करके आपको दिखाते हैं। ये जो गंध है ये हमें साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये दोस्तों जो है इतना जो आप देख रहे हैं ये इतना ही क्लीन हुआ। तो ये सब जो मैग्नेट है इस पे जो गंध दिया हुआ था ये तो बॉन्ड टाइट दिया हुआ था, तो ये हीट करने के बाद आसानी से जो है साफ हो गया। तो इसमें जो है कोई केमिकल दिया हुआ था जिसकी वजह से ये जो है जल्दी साफ़ नहीं हुआ, तो हमने इसे जो है प्लेन कर लिया ताकि जो गंध है ये हमारा जो है अच्छी तरह से पकड़ ले, और ये जो है हमारी जो रिंग है ऊपर वाली ये भी हमारा अच्छी तरह से बैठ जाए, तो उतना हमने साफ़ कर लिया है। तो चलिए हम इसे जो ये जो रिंग है ऊपर वाला हम इसे लगाते हैं। तो इसे हमें किस तरह से एडजस्ट करना है चलिए हम देखते हैं। तो उससे पहले हमें इसमें जो जो भी कचरा है इसे हमें साफ़ कर लेना है। तो और उसके बाद फ्रेंड्स इसे इस रिंग में जो आप देख रहे हैं जो पीला पीला लगा हुआ है वार्निश, तो इसे भी हमें साफ़ कर लेना है। तो इसे एक सरस पेपर की मदद से इसे हमें इस तरह से साफ़ कर लेना है ताकि जो है कॉइल जो है हमारा जो अच्छी तरह से एडजस्ट रहे, जल्दी कटे नहीं। कॉइल जब सटने लगेगा तो बार बार कटेगा और उसकी जो है आवाज़ भी घड़घड़ाहट सी आएगी, तो इसे हमें साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये साफ़ हो चुका है। तो उसके बाद इसे हमें कपड़े की मदद से इसे हमें पोछ ये साफ़ कर लेना है। तो उसके बाद जो है इसे भी हमें साफ़ कर लेना है, और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो है ब्लोअर मार के उसके बाद इसे हमें क्लीन कर लेना है, और कपड़े की मदद से इसे भी
में साफ कर लेना है। तो दोस्तों चलिए अब इसे हम क्लीन कर लिए और उसके बाद हम इसमें एक और कपड़ा डाल के साफ कर लेते हैं और उसके बाद मैग्नेट हम जो इसकी जोड़ेंगे इसे हम साट लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 8 नंबर की सिल्ली भी लेनी है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें जो है 4 पीस बना लिए। तो किसी भी नोट में आपको 4 ही पीस लगेगा 8 नंबर की अगर सिल्ली होगी तब। और वो सिल्ली को हमें जो है इसके अंदर डाल लेना है और उसके बाद जो है हमें ऊपर से रिंग डालना है। तो उससे पहले हमें इसमें जो है गोंद लगा देना है। तो दोस्तों हम इसमें बॉन्ड टाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसमें हम फास्ट वाला यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें गोंद को अच्छी तरह से मिलाना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसे हमें मैग्नेट में लगा लेना है। तो चलिए हम मैग्नेट में लगा लेते हैं। तो दोस्तों चारों तरफ लग जाने के बाद जो है हमें इसमें जो है रिंग ऊपर से डाल के उसके बाद है इसे जो है सूखने के लिए छोड़ देना है। तो ये जो है हम आसानी से जो है इसे लगा लेंगे देखिए इस तरह से। तो पहले हमें एक तरफ जो है बैठा लेना है उसके बाद जो है दोनों सीट लिविंग को जो है अंदर की ओर कर लेना है और इसके बाद इसे हमें छोड़ देना है इस तरह से। और उसके बाद जो है इसे हम थोड़ा थोड़ा सा खींच के जो है एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये जो है बाहर निकलने में भी दिक्कत ना करे और आसानी से ये बाहर भी आ जाए और ये अच्छी तरह से बैठ भी जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है अच्छी तरह से बैठ गया है। और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा हम इस पर जो है हिट भी कर लेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से पकड़ लें। तो चलिए आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पकड़ लिया है। और उसका जो है गोंद जो है हमें इस तरह से इसे जो है जो बच साइड में जो गोंद है इसी तरह से हमें इसे गोल कर लेना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे और पकड़ भी अच्छी तरह से रहे। जैसे कि साइड में जो है हमारा अगर अच्छी तरह से पकड़ रहेगा तो जल्दी से मैग्नेट को खिसकने नहीं देगा और ये अच्छी पकड़ भी बना के रखेगा। तो इस तरह से हमें इसे गोल कर लेना है फ्रेंड्स। इसे हम 30 मिनट के बाद इसे हम जो है इसमें जो सिलीविंग है 8 नंबर की इसे हमें बाहर निकाल के उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो है इसकी जो बीच की जो गैपिंग और इसकी जो फिनिशिंग है ये कितनी अच्छी तरह से हुई है। तो दोस्तों 30 मिनट के बाद इसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो चलिए हम इसे बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसकी जो गैपिंग है वो कितनी अच्छी तरह से बनी है और इसमें जो है किस तरह से एडजस्ट हुआ है इसे लिविंग लगाने पे। यहाँ पे अगर ये जो है खींचने में दिक्कत करे तो इसे आप ग्लास की मदद से खींच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है ये निकल रहा है तो इसीलिए हम इसे हाथ से खींच रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है खींचने में तो इसे हम ग्लास की मदद से खींच लेते हैं बाहर। तो दोस्तों ये सिलीविंग जो है बाहर आ चुका है। तो ये जो सिलीविंग है ये जल्दी ख़राब नहीं होगा आप तो इससे जो है आप बहुत सारा मैग्नेट चिपका सकते हैं। तो इसे हम साइड रखते हैं इसे हम फेंकना नहीं है तो इसे साइड रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है कितनी अच्छी तरह से जो है एडजस्ट हुआ है बिल्कुल कंपनी की तरह जो है ये एडजस्ट हो गया है जो है थोड़ा भी इधर उधर नहीं है आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों इसे जो है साफ़ करके उसके बाद जो है इसमें डायफ्राम लगा लेना है और इसे जो है अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो आशा करता हूँ आपको यह जो है ट्रिक अच्छी लगेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।